Students, welcome you all in Visa Academy online classes. At a present time, we will study about microbes in human welfare. इसी chapter को already हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये last point है कि how microbes are useful as a biofertilizer. Means ये chapter का microbes in human welfare का topic है आज का, microbes as a biofertilizer. अभी इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं कि बायो कंट्रोलिंग मेथड के रूप में किस तरह से माइक्रोब्स का यूज किया जाता है. देखो इस पूरे चैप्टर्स में यही है कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए किस तरह से वो बेनिफिशियल है. ऑलरेडी हमारे माइंड में यह चीज़ें रहती हैं कि माइक्रोब्स आर ऑलवेज एज ए पैथोजेनिक, वो हमेशा पैथोजेनिक के ही फॉर्म में होते हैं, लेकिन यह सही नहीं है. हम फूड मटेरियल के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हाउ माइक्रोब्स आर यूज एज ए फूड प्रोडक्ट. हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लार्जर स्केल पर किस तरह से माइक्रोब्स का यूज करके, फर्मेंटेटर का यूज करके, बियरवेज और बेकरी इंडस्ट्रीज में उनका यूज किया जाता है वो पढ़ चुके हैं. बायो कंट्रोलिंग मेथड अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो 5 में पढ़ चुके हैं, किस तरह से बैक्यूलोवायरस के बारे में पढ़े हैं, बीटी काटन के बारे में पढ़े हैं, बीटी के बारे में, बैसिलस थ्रोनजिनेसिस के बारे में. यहाँ पर इसमें जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि वह माइक्रोब्स किस तरह से बायो फर्टिलाइजर के रूप में है. मीन्स वी कैन गिव द फर्टिलाइजर विदाउट यूजिंग ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर. बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के ही हम फर्टिलाइजर और सॉइल के न्यूट्रिएंट की को हम बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ माइक्रोब्स. जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस तरह से वो जो डिफरेंट टाइप्स के जो नाइट्रोसोमोनास और अदर टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एजोटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रिडियम है, ये डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रोब्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. और इस तरह से एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट और नाइट्राइड्स में. और वह नाइट्रोजन चूँकि NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम ये तीन जो है सबसे लार्जर अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए और वह इन माइक्रोब्स के थ्रू ही नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ही प्लांट्स को मिल जाते हैं. तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर. ठीक है, हम वी कैन इंक्रीज द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल विदाउट यूजिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. ठीक है, इसमें आते हैं हम ये बायो फर्टिलाइजर में. सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज द बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर इज ए सबस्टेंसेस विच कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायो वर्ड अगर कहीं पर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया क्या, लिविंग. बायो फर्टिलाइजर यानी कहीं ना कहीं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वन सॉइल की न्यूट्रिएंट को बढ़ा रहा है. ठीक है, वेन अप्लाइड टू द सीड्स, अगर उसका हम यूज करते हैं किसके ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीड्स के ऊपर, प्लांट सरफेस पर और सॉइल में यूज करते हैं, या कॉलोनाइज द राइजोस्फीयर और द इंटीरियर ऑफ द प्लांट एंड प्रमोट द ग्रोथ. इसे क्या, दे प्रमोट द ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग द सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट टू द होस्ट प्लांट. तो अगर तो इसे हम क्या कहेंगे, बायो फर्टिलाइजर. अभी पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में इस चीज को, बायो फर्टिलाइजर एंड ऐड न्यूट्रिएंट थ्रू द नेचुरल प्रोसेस. इसमें अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन का बताए हैं, नेचुरल फिक्सेशन प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्टेबलाइजिंग द फास्फोरस एंड स्टिमुलेटिंग प्लांट ग्रोथ थ्रू द सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंसेस. स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग जो भी सबस्टेंसेस हैं उनको, इसलिए इसे कहते हैं कि हम बायो फर्टिलाइजर. यह भी इसी में आ गया कि हाउ माइक्रोब्स आर यूजफुल आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस. अब ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द बायो फर्टिलाइजर. इसके पहले इंट्रोडक्शन में बता दिए नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे आर द माइक्रोबियल इनोकुलेंट ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी. क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं, कुछ फंजाई भी, अभी ट्राइकोडर्मा के बारे में बताए थे, तो वह तो बायो कंट्रोलिंग के फॉर्म में है. और साथ साथ कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जैसे ग्लोमस का नेम आता है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है वह फंजाई के बारे में. वह जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है.
which may help the biological nitrogen fixation for the benefits of the plants. They help build up the soil microflora and thereby the soil health. Biofertilizer also include the organic fertilizer. Organic fertilizer ke form mein bhi hai, jaise manure ke form mein. And use of the biofertilizer is recommended for improving the soil fertility in organic form. अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कितने तरह के बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर समझ में आ गया, जिसमें माइक्रोब्स हैं विच इंक्रीज द मीन्स माइक्रोब्स विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. तो जब सॉइल की फर्टिलिटी जब बढ़ेगी तो उसमें जो प्लांट को हम ग्रो कराएंगे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, फंगल हैं, एल्गी है, कुछ एक्वेटिक फर्म भी हैं. अर्थवार्म के बारे में तो ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं कि वो अर्थवार्म जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, ये जोला जैसे हो गया, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वैम फंजाई, पीएसएम, एजो स्पाइरिलम, एजो टोबैक्टर, राइजोबियम. तो बैक्टीरियल, फंगल, एल्गल और एक्वेटिक फर्म, अर्थवार्म, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जिसमें से हमें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें बैक्टीरियल का क्या रोल है, फंगल है और एल्गी है. एल्गी में साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी किस तरह से बायो फर्टिलाइजर के फार्म में है. तो जैसे यहाँ पर आते हैं बैक्टीरिया के फार्म में, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर के फार्म में जो होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, राइजोबियम हो गया, ए जो स्पाइरिलम है, दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. प्लांट्स कैन नॉट टेक द नाइट्रोजन इन फ्री फॉर्म, ठीक है, दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, और इसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. और साइक्लिक प्रोसेस को कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटर्स इन टू द प्लांट्स आर लिविंग सिस्टम एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग इज ऑल्सो बैक इन टू द फ्री फॉर्म इन साइड द इन्वायरमेंट इन साइड द एटमॉस्फियर, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर वह जो प्लांट उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया जैसे एग्जाम्पल में नेम आता है राइजोबियम बैक्टीरिया का, ठीक है, ये जो स्पाइरिलम है, ये जो टोबैक्टर है जो फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं, क्लेवेसेला है. अगर एल्गी की बात करेंगे तो बीजीए इन एसोसिएशन विद एजोला, एनाबिना, ठीक है, नास्टॉक, ओसिलेटेरिया, ये सब डिफरेंट टाइप के एल्गी होते हैं. फास्फेट सॉल्युबाइजिंग बैक्टीरिया के फार्म में अगर हैं तो सीडोमोनास है. सीडोमोनास का यहाँ पर स्ट्रक्चर बताए हैं, ये नास्टॉक का स्ट्रक्चर है, ये एनाबिना है, ठीक है, ये जो स्पाइरिलम है. अगर फंगल बायो फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो ग्लोमस, ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, फंगल बायो फर्टिलाइजर में ग्लोमस एनसीईआरटी के बुक में भी यही दिया हुआ है, यही इसका नेम दिया है ऑलरेडी. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर अकॉर्डिंग टू सिलेबस. द लाइव सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर, दीज माइक्रोब्स कंटेन द यूनिक जीन कॉल्ड निफ जीन. अब इसके बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, निफ जीन क्या है, ठीक है, बस ऐसे समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, विच मेक देम द कैपेबल ऑफ फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वर्क अंडर द टू कंडीशंस, एक है सिम्बायोटिकली एक साथ, वो सिम्बायोटिकली का मतलब ही होता है म्यूचुअली बेनिफिटेड टू इच अदर, ठीक है, और दूसरा है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, वो नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, ऑलरेडी पहले से प्रेजेंस होते हैं, ठीक है. और सिम्बायोटिकली का मतलब होता है कि वह बैक्टीरिया को, जैसे एसिडोमोनास है, क्लॉस्ट्रिडियम सीडोमोनास जो, या एजोटोबैक्टर है, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मेक एसोसिएशन विद द क्रॉप प्लांट थ्रू द फॉर्मिंग नोड्यूल्स इन देयर रूट. रूट नोड्यूल्स के साथ वो क्या होते हैं, ऑलरेडी अटैच हो जाते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, उनके साथ एसोसिएशन विद द क्रॉप प्लांट थ्रू द रूट नोड्यूल्स इन देयर रूट्स. और द फ्री लिविंग बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म एनी, और फ्री लिविंग जो होते हैं वो किसी तरह का एसोसिएशन नहीं होता, बट लाइव फ्रीली एंड फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है.
सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले जो नेम आता है, यहाँ पर आया है बात जो कि सिम्बायोटिकली और फ्री लिविंग, तो सिम्बायोटिकली में हम ये देखते हैं सबसे पहले नेम आता है क्या, राइजोबियम। और 11th क्लास में भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि किस तरह से राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वह जितने भी लेगुमिनस कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट के साथ किस तरह से वह उसके रूट के साथ नोडुल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखो लेग्यूम जो प्लांट उसके रूट नोडुल के साथ ही अटैच होता है बैक्टीरिया, धीरे धीरे उसकी एंट्री होती है। तो सिम्बायोटिक इसलिए है कि बैक्टीरिया को भी एडवांटेज है कि उसको एक रहने का एक जगह मिल गया न्यूट्रिएंट को, और साथ साथ प्लांट को क्या एडवांटेज है, प्लांट को ये एडवांटेज है कि द फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो व्हेन द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर इट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ये सब फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। तो राइजोबियम लिव्स इन द रूट हेयर्स ऑफ द लेग्यूम बाय द फार्मिंग नोड्यूल। प्लांट रूट सप्लाई द एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिनरल्स एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड सब्सटेंसेस टू द बैक्टीरिया। द नेम ऑफ द राइजोबियम वाज सब फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड, जो किया था साइंटिस्ट का नेम या नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, इसने इसको इस्टेब्लिश किया था, यह प्रीवियस क्लास का है, फ्रैंक 1889। हमें यहाँ पर जानना है कि राइजोबियम का क्या रोल है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर के, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। द जीनस हैव 7 डिस्टिंक स्पेसीज बेस्ड ऑन द क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप ऑफ ग्रुप कंसेप्ट। तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, मेन है क्या कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में वर्क करते हैं कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोडुल्स के साथ। उसके बाद से नेम आता है बैक्टीरिया का अलग जो बैक्टीरियल फॉर्म में है एज ए बायो फर्टिलाइजर, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर इज ए हेटरोट्रॉपिक फ्री लिविंग है, दोनों का नाम बता दिए। राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। एजोटोबैक्टर क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया का मतलब होता है वह ऑलरेडी इन्वायरमेंट में पहले से क्या है, प्रेजेंस है। और सिम्बायोटिक का मतलब है कि जब तक उसके साथ कोई होस्ट प्लांट नहीं होगा तब तक वह सर्वाइव नहीं करेगा। तो जब होस्ट प्लांट के साथ लेग्यूम प्लांट के साथ वह सिम्बायोटिक के केस में जब वो अटैच करता है तो दोनों को लाभ मिलता है, म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर, उसको एक रहने का जगह मिल जाता है और प्लांट के लिए क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एजोटोबैक्टर इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग स्पेसीज इन द एरेबल सॉइल ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इट एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी वही काम करता है लेकिन फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पर उसकी साइकिल को दिखाया है, ठीक है, दोनों तरह का, ठीक है, किस तरह से रूट नोड्यूल्स के फॉर्म में है और ये सिम्बायोटिक के फॉर्म में है, इसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं है। ये राइजोबियम है रूट नोड्यूल के साथ एंट्री करके और यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे राइजोबियम अटैच टू द रूट हेयर, फिर यहाँ से एंट्री किया जो पढ़े थे ना 11th में कि नोड्यूल बनाता है इसे, फिर नोड्यूल्स करके वो एकदम इस तरह से आकर के फिर इस फॉर्म में आ जाता है। ये है यह प्लांट है, इसके साथ नोडुल्स ऐसे बन जाते हैं एंड दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो दो तरह के बैक्टीरिया हो, एजोटोबैक्टर अपार्ट फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू एक्सपांड, यह भी वही काम करता है, ठीक है, लेकिन एक और इसका एक एडिशनल वर्क भी होता है, इट कैन आल्सो सिंथेसाइज द ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। तो इस तरह से हमारे लिए बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में है यह ग्रोथ सब्सटेंस आर्जिन और जिब्रेलिन, दीज आर द फाइटो हारमोन्स, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के काम में आते हैं। एंड ऑक्जीन्स आर फाउंड ऑल द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ऑक्जीन को सिंथेसाइज करने में भी यह हेल्प करता है। और जो जिब्रेलिन के बारे में ऑलरेडी पढ़े हैं, जिब्रेला फिजिक्राई फंजाई से इसको सबसे पहले ऑप्टेन किया गया था, उसी से इसका नेम जिब्रेलिन पड़ा, लेकिन इसको प्रमोट करता है, ग्रोथ को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है यह एजोटोबैक्टर। और नोडुल्स नहीं नोड्स और इंटरनोड्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाता है, नोड और इंटरनोड यानी प्लांट के लेंथ को बढ़ाता है जिब्रेलिन। और आर्जिन तो हर एक एरिया में पाया जाता है जो इसका ग्रोइंग रीजन होता है। अब आते हैं वेसिकुलर एरबिस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा का सेंस समझ में आ गया होगा, माइको मीन्स होता है फंजाई और राइजा मीन्स होता है रूट्स, मीन्स एसोसिएशन ऑफ रूट्स विथ फंजाई, यानी फंजाई के साथ रूट का जो एसोसिएशन होता है, यहाँ पर दिया ऑलरेडी वी एम का सेंस है वेसिकुलर एरबिस्कुलर माइकोराइजा।
या विदाउट माइकोराइजा का है, यहाँ पर दिया है और यहाँ पर जो है माइकोराइजा के साथ है। तो फंगस रूट एक फंगस का नाम बताए हैं ग्लोमस का। फंगस रूट टर्म वाज पॉइंट बाय द फ्रैंक इन 1885। द माइकोराइजा इज ए म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, ये भी है म्यूचुअली बेनिफिटेड टू इच अदर, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई माइसीलिया एंड प्लांट रूट। फंगस है तो उसका माइसीलियम ही ग्रो करता है और प्लांट रूट के साथ पेंटेड कर जाता है, ठीक है। उसको भी इसी तरह से है म्यूचुअली बेनिफिटेड, उसको भी एक रहने का जगह बनता है, न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट को वो बनाता है उस न्यूट्रिएंट को प्लांट क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, तो दोनों को बेनिफिटेड, बोथ आर बेनिफिटेड, ठीक है। वेस्कुलर एरवेस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है, क्या है, इट इज ए इंडोट्रॉपिक, मतलब लीव इनसाइड द प्लांट माइकोराइजा फॉर्म बाय द एसेप्टेड फाइकोमाइसिट्स के कैटेगरी के फंजाई होते हैं, ठीक है। वी एम हेल्प इन द न्यूट्रिएंट ट्रांसफर मेनली। अब इसके थ्रू क्या न्यूट्रिएंट मिलता है, हम तो यही पढ़ रहे हैं कि हाउ द माइक्रोब्स आर एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो यह जो है फास्फोरस को, फास्फोरस जिंक और सल्फर, अगर ये प्लांट रूट के साथ अगर एसोसिएट है या फंगस माइक्रोब्स के फार्म में, तो या उसी कहते हैं माइकोराइजा एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट, रूट के साथ, तो यह ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट को प्लांट को, कौन सा न्यूट्रिएंट, तो फास्फोरस, ये इसी चीज़ को हमें याद रखना है, फास्फोरस जिंक और सल्फर। इसके पहले पड़े हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं एजोटोबैक्टर या अदर जो पड़े हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब आते हैं एल्गी या जो बायोफंड, ये नास्टाक है एल्गी, ठीक है, हाइड्रोसिस्ट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। अदर ग्रुप ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स आर साइनोबैक्टीरिया कॉमनली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। मोर देन 100 स्पेसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द नाइट्रोजन। यह डायग्राम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की बुक में हम पढ़े हैं, साइनोबैक्टीरिया जहाँ पर है उसमें सेम यही डायग्राम है। इसके ऊपर म्यूसिलेजनस की सीथ होती है जो इसका प्रोटेक्शन करती है, और बीच बीच में कहीं कहीं पर हेट्रोसिस्ट होते हैं, और यही हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन द स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। कई बार एग्जाम में या कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द, और यह है क्या, इट इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी नास्टाक, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी वेरी कॉमन इन राइस फील्ड, ठीक है। अनलाइक एजोटोबैक्टर ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। नो केमिकल फर्टिलाइजर एडेड इनकुलेशन ऑफ द एल्गी कैन रिजल्ट 10 to 14% इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। तो केवल इसके प्रेजेंस रहने से क्रॉप यील्ड में के प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाता है, कितना परसेंट, 10 to 40% क्रॉप यील्ड्स। तो यह हो गया एल्गी एज ए बायो फर्टिलाइजर। अब हम आते हैं इसमें कि पूरा पढ़ चुके बैक्टीरिया फंजाई और एल्गी, कि हाउ बैक्टीरिया फंजाई एंड एल्गी आर यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर। अब सबका एक कंक्लूजन में आते हैं कि व्हाट द एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का क्या एडवांटेज है। आखिरकार यह इन्वायरमेंट में प्रेजेंस होते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इनका क्या यूज है, एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, यह भी यह रिन्यूएबल कर सकते हैं हम, उस फंजाई को या उस माइक्रोब्स को फिर से रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। सस्टेन द सॉइल हेल्थ, सॉइल के हेल्थ को मेंटेन रखते हैं ये, क्योंकि हम केमिकल का यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सॉइल का जो टेक्सचर है उसका, जो केमिकल्स है जो टेक्सचर है वो मेंटेन रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। रिप्लेस द 25 to 30% केमिकल फर्टिलाइजर, या जो डिपेंडेंसी हमारी है केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर, और अभी बताया कि यह फूड चेन के थ्रू एंट्री कर जाते हैं और उसका बैड इफेक्ट पड़ता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, फूड चेन में एंट्री करते हैं केमिकल्स, तो इसको यह रिप्लेस कर देता है। 25 to 30% केमिकल फर्टिलाइजर को यह रिप्लेस कर देता है। इंक्रीज द गेन 10 to 40% प्रोडक्शन बढ़ जाता है इनकी वजह से, और यह बायो फर्टिलाइजर के फार्म में होते हैं बायो। डिकम्पोज प्लांट रेसिड्यू जो होते हैं दे आर स्टेबलाइज द कार्बन
नाइट्रोजन रेशियो को सॉइल में मेंटेन करते हैं, जो उसके डिकम्पोज पार्ट होते हैं, प्लांट के जो रिड्यूस होते हैं अगर वहाँ पड़े हुए हैं, तो दे स्टेबलाइज द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द सॉइल और इम्प्रूव द टेक्सचर, अभी जस्ट बताएं, स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, चाहे वो ना स्टॉक हो, चाहे जो टोबैक्टर हो, या ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फंजाई होते हैं, ना स्टॉक, एना बिना ना स्टॉक, क्लास्टिडियम, ये जितने भी तरह के हैं, या बैक्टीरिया के फार्म में हैं, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो दे इम्प्रूव द टेक्सचर स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सबसे ज़्यादा तो वाटर में एल्गी ही पाए जाते हैं और ना स्टॉक के फार्म में पाए जाते हैं। नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड सॉइल फर्टिलिटी। और इन बायो फर्टिलाइजर का कोई एडवर्स, मतलब हम कह सकते हैं कोई निगेटिव इफेक्ट प्लांट के ग्रोथ पर और सॉइल की फर्टिलिटी पर नहीं होता है। तो इस तरह से बायो फर्टिलाइजर यूज्ड, माइक्रोब्स आर यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। ये लास्ट टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का। इसके बाद से हम क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद से तब फिर न्यू चैप्टर्स में आएंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।